मजीद अपडेट्स के लिए एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर और आपकी प्रॉब्लम के सलूशन के साथ हूं हाजिर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज एक प्रोफेशनल स्लाइड शो मेकर जो है वो मैं आपके साथ उसका रिव्यूज शेयर करूंगा। आज अपने यूट्यूब प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करें, वेडिंग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करें, कुछ भी हो इसमें, यानी कि काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। मतलब वन बाई वन तस्वीर को इफ़ेक्ट लगाना, फिर उसमें ट्रांजिशन लगानी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जस्ट फोटोज़ ड्रैग करनी है और ये खुद ब खुद आपको ट्रांजिशन और ये बना के टेम्पलेट्स थीम वाइज बना के आपके सामने रखेगा। तो आप इसको जो आपको पसंद आए उसको एक्सपोर्ट करें और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। अब हमने इसको ओपन करना है। इसको कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। पहली बार ट्रांजिशन जो है वो लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, अगली बार जब आप ओपन करेंगे तो वो ऑलरेडी उसमें ट्रांजिशंस ऐड होंगी। यहाँ पे ये काफ़ी सारे थीम हैं जो वन क्लिक से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल इफेक्ट्स, बर्थडे, कैंडल लाइट, कैजुअल, मॉडर्न और भी काफ़ी सारे हैं, सेलिब्रेशन। ये सिर्फ आपने एक थीम सेलेक्ट करना है और पिक्चर्स एक ही बार में ऐड कर देनी है, वो खुद ही इसमें स्लाइड शो आपका बहुत अच्छा बन जाएगा खुद से ही। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ऑल इफेक्ट को क्लिक किया हमने, कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हमने तस्वीरें ऐड करनी है। ये वाली कुछ तस्वीरें हैं सैंपल के तौर पे मैंने ली हैं, इनको ऐड करते हैं कंटिन्यू प्रीव्यू के लिए। ये ऑलरेडी ये देख लें आप, ट्रांजिशन फिक्स हो गई हैं, साथ में इफ़ेक्ट्स भी खुद ब खुद आ गए हैं। ये एक थीम है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसके अलावा बहुत से और भी टेम्पलेट्स बने बनाए हैं। आपने जस्ट तस्वीरों को ड्रैग करना है और ये आपका स्लाइड शो तैयार हो जाना है। यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन एडजस्ट कर सकते हैं, एनर्जी ऑटो है, कस्टम भी कर सकते हैं इसको, इफ़ेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। रिटर्न टू विजिट जाएंगे, यहाँ से कोई और थीम सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये बर्थडे है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू प्रीव्यू। आप देख सकते हैं कि हर एक प्रीसेट का अलग से थीम है, तो आप इसको जो आपको सूटेबल लगे वो आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने से पहले आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप तब्दील कर सकते हैं। ये फ्रेम रेट है, ये तब्दील कर सकते हैं, ये इसकी टाइम ड्यूरेशन है, ये तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, कोई सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइटल ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। यहाँ से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप टाइम ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं, ऐड टाइटल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख के। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, एफएक्स इफ़ेक्ट्स हैं, ये वाले भी आप ऐड कर सकते हैं इनमें। अब इसको पब्लिश करना है हमने, मतलब एक इसकी एक वीडियो फाइल बनानी है हमने, तो वो सारी ऑप्शंस ये आपके सामने नज़र आ रही हैं, ब्लूरे, यूएसबी फाइल, ये वो। हम वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा। 1080p फुल HD एक्सपोर्टिंग करनी है हमने, 1080 ठीक है, इसको क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम देंगे,
जहाँ पे आपने रखनी है। प्रो शो स्लाइड शो 1 के नाम से ये सेव कर रहा हूँ मैं, और अब ये एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगा, रेंडर इसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उसको मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो एनकोडिंग एक्सपोर्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ये अब एक वीडियो फाइल बन गई है, हमारे सामने आ गई है, आप देख सकते हैं। अगर तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।